Hey you, welcome to my new video. Today we are talking about होंडा शाइन BS6 बाइक और इस वीडियो के अंदर काफी से टॉपिक्स कवर अप करने वाला हूँ, जैसे कि प्राइस क्या रहने वाला है, कलर्स क्या क्या देखने के लिए मिलेंगे और साथ में ये भी कवर अप करने वाला हूँ फीचर स्पेसिफिकेशन क्या रहने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कहना चाहूंगा, अपने भाई के चैनल पहली बार हो तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियोस अपडेट रह सके। गाइस आपको पहले ही बताना चाहूंगा, इसके अंदर दो वेरिएंट्स दिए जाते हैं, ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक। बट गाइस जैसे कि आपको पता है, आपको सबसे पहले प्राइस के बारे में बात करता है, प्राइस के बारे में इसलिए बात करता हूँ जो चीज़ हम बजट में फिट होती है हम सबसे पहले वही चीज़ परचेस करते हैं। सो चलिए इस प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम ड्रम ब्रेक के बारे में बात करेंगे। गाइस का एक्चुअल प्राइस देगा 69,415 रुपीज़, आरटीओ 6,053 रुपीज़, इंश्योरेंस अमाउंट 5,289 रुपीज़ और गाइस साथ ही में अदर चार्जेस दिए गए हैं 2,800 रुपीज़ के। गाइस के अंदर थ्री चीज़ें इंक्लूड दी गई है, बेसिक एक्सेस किट 1,500 रुपीज़, नंबर प्लेट 550 रुपीज़ और साथ में अदर चार्जेस 750 रुपीज़ के दिए गए हैं। गाइस एडॉन्स ऑप्शनल दिए गए हैं जिसके अंदर थ्री चीज़ें इंक्लूड दी गई हैं, एक्सटेंडेड वारंटी 577 रुपीज़, जीरो डैप इंश्योरेंस 622 रुपीज़, मिसकिलियंस चार्जेस 355 रुपीज़। गाइस एडॉन्स ऑप्शनल दिए गए हैं जो कि 1,554 रुपीज़ के दिए गए हैं। गाइस के अंदर थ्री चीज़ें इंक्लूड दी गई है, एक्सटेंडेड वारंटी 577 रुपीज़, जीरो डैप इंश्योरेंस 622 रुपीज़, मिसकिलियंस चार्जेस 355 रुपीज़। गाइस अब बात करते हैं ऑन रोड प्राइस के बारे में, ऑन रोड प्राइस क्या दिया गया है। सो गाइस ऑन रोड प्राइस दिए 83,557 रुपीज़। गाइस अब बात करते हैं डिस्क वेरियंट के बारे में। सो गाइस का एक्चुअल प्राइस दिया गया है 74,115 रुपीज़, आरटीओ 6,429 रुपीज़, इंश्योरेंस अमाउंट 5,473 रुपीज़, अदर चार्ज 2,800 रुपीज़ के दिए गए हैं। गाइस एडॉन्स ऑप्शनल दिए गए हैं जो कि 1,578 रुपीज़ के दिए गए हैं। गाइस अब बात करते हैं ऑन रोड प्राइस के बारे में, ऑन रोड प्राइस क्या दिया गया है। सो गाइस ऑन रोड प्राइस दिया गया है 88,817 रुपीज़। गाइस आपकी सिटी में, मेरी सिटी में थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है, बिकॉज आपकी सिटी डिफरेंट है, मेरी सिटी डिफरेंट है, बट कहीं ज़्यादा डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा, 5-2,000 रुपीज़ का इजिली डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। गाइस अब बात करते हैं कलर्स के बारे में, इसे कितने डिफरेंट्स कलर्स दिए गए। सो गाइस इसमें फोर डिफरेंट्स कलर्स दिए गए हैं, रेबल रेड मेटेलिक, एथलेटिक ब्लू मेटेलिक, ब्लैक जैनी ग्रे मेटेलिक। गाइस ये फोर डिफरेंट्स कलर्स दिए गए जो काफ़ी प्यारे और क्लासिक कलर्स लगते हैं देखने में। सो गाइस आप कमेंट्स में ज़रूर बताना आपका फेवरेट कलर कौन सा है। गाइस अब बात करते हैं फीचर स्पेसिफिकेशन के बारे में, सबसे पहले बात करेंगे इंजन ट्रांसमिशन के बारे में। इंजन टाइप एयर कूल 4 स्ट्रोक BS6 इंजन दिया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 124cc, मैक्सिमम 10.74 PSI 7500 RPM और साथ ही मैक्सिमम टॉर्क दिया जाएगा 11 Nm 6000 RPM, नंबर ऑफ सिलेंडर्स 1 दिया जाएगा, कूलिंग सिस्टम एयर कूल्ड और साथ ही बल्ब पर सिलेंडर 2 दिए जाएंगे, ड्राइव टाइप चेन ड्राइव। गाइस अब बात करते हैं स्टार्टिंग के बारे में, ये बाइक स्टार्ट कैसे होती है। सो इस बाइक के अंदर किक स्टार्ट सेल्फ स्टार्ट दोनों की फैसिलिटीज दी जाएगी, फ्यूल सप्लाई FI में दी जाएगी जिसे हम लोग फ्यूल इंजेक्शन भी बोलते हैं, क्लच मल्टीप्लेट वेट क्लच के अंदर, ट्रांसमिशन मैनुअल। गाइस अब बात करते हैं गियर बॉक्स के बारे में, गियर बॉक्स क्या दिए जाएंगे। सो इस गियर बॉक्स 5 स्पीड में दिए जाएंगे, यानी कि 5 गियर्स वाली बाइक होने वाली है, बोर 50 mm, स्टॉक 63.1 mm में दिया जाएगा, कंपेरिजिशन 10:0.2 में दिया जाएगा। गाइस अब बात करते हैं एमिशन टाइप के बारे में, एमिशन टाइप क्या रहने वाला है। सो गाइस जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ BS6 बाइक होने वाली है, सो गाइस एमिशन टाइप को BS6 में दिया जाएगा। गाइस अब बात करते हैं फीचर सेफ्टी के बारे में, ABS इसके अंदर नहीं दिया जाएगा, ब्रेकिंग टाइप कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर, स्पीडोमीटर एनालॉग, ऑडोमीटर एनालॉग, कंसोल मीटर एनालॉग और साथ में पास स्विच दिया जाएगा। गाइस अब बात करते हैं एडिशनल फीचर्स के बारे में, एडिशनल फीचर्स होंडा इको टेक्नोलॉजी इनहांस स्मार्ट पावर के अंदर, पैसेंजर फुटेज दिया जाएगा और साथ में इंजन किल स्विच भी दिया जाएगा। गाइस अब बात करते हैं चेसिस सस्पेंशन के बारे में, सबसे पहले बात करेंगे चेसिस के बारे में, चेसिस डायमंड टाइप में दिया जाएगा, वाई टाइप कम्यूटर बाइक्स दी जाएगी, फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक और साथ में रेयर सस्पेंशन हाइड्रोलिक टाइप में दिया जाएगा, बॉडी ग्राफिक्स काफ़ी ज़बरदस्त दी गई है। यही सब बात करते हैं डायमेंशन कैपेसिटी के बारे में, सबसे पहले बात करेंगे लेंथ के बारे में, लेंथ 2046 mm, विथ 737 mm, हाइट 1116 mm। यही सब बात करते हैं फ्यूल कैपेसिटी के बारे में, सो इस फ्यूल कैपेसिटी 10.5 लीटर्स का दिया गया है, यानी फ्यूल टैंक 10.5 लीटर्स का होने वाला है, सैडल हाइट 791 mm जिसे हम लोग सीट हाइट भी बोलते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस 162 mm, वाइल्ड वेज 1285 mm। कहीं से बात करते हैं कर्व वेट के बारे में, कर्व वेट क्या रहने वाला है। सो इस कर्व वेट दिया गया है 115 kg, यानी कि 115 kg की टोटल बाइक्स होने वाली है।
गाइस अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हेडलाइट्स के बारे में। हेडलाइट हैलोजन, टेल लाइट्स बल्ब, टर्न सिग्नल लैंप बल्ब। बैटरी कैपेसिटी 12 और 5 आवर्स की दी जाएगी। लो फ्यूल इंडिकेटर दिया जाएगा। गाइस अब बात करते हैं टायर्स एंड ब्रेक्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे टायर साइज के बारे में। फ्रंट टायर 80x100-18 का, असल में रेयर टायर दिया जाएगा 80x100-18 का दिया जाएगा। टायर टाइप्स काफी बढ़िया दिए गए हैं, टायर टाइप ट्यूबलेस में दिए गए हैं। गाइस अब बात करते हैं वाई साइज के बारे में, वाई साइज क्या दिया जाएगा। सो गाइस फ्रंट व्हील 457.2 mm, असल में रेयर व्हील दिया जाएगा 457.2 mm का दिया जाएगा। व्हील टाइप अलॉय में। गाइस अब बात करते हैं ब्रेक्स के बारे में। गाइस अगर आप ड्रम ब्रेक लेते हो तो दोनों ब्रेक्स आपको ड्रम में दिए जाएंगे और दोनों डायमीटर्स आपको 130 mm के दिए जाएंगे। बट आप डिस्क ब्रेक लेते हो सो फ्रंट ब्रेक आपको डिस्क में दिया जाएगा और साथ में रेयर ब्रेक डायमीटर आपको ड्रम में दिया जाएगा। फ्रंट ब्रेक डायमीटर 240 mm, रेयर ब्रेक डायमीटर 130 mm और साथ में रेडियल टायर भी दिए जाएंगे। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसे कि आपको पता है कि एक लाइक से आपके भाई काफी मोटिवेशन मिलता है। अगर आप अपने भाई के चैनल पहली बार आए तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियोस अपडेट रह सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।